और के 12 दरवाजे जो हैं उनको एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले है दिल्ली दरवाजा। यार ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली दरवाजे। ये है जी दिल्ली गेट की मशहूर मदनी लस्सी मक्खन। लेकिन हमारे दीन में ये जायज नहीं है। यार ये उस्मान की बैठक है। ये है भी मस्जिद वजीर खान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह लाहौर के 12 दरवाजे जो हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा एक एक करके और सीरीज़ कम्प्लीट करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको 3 दरवाजे जो हैं लाहौर के वो दिखा दें। सबसे पहले है दिल्ली दरवाज़ा और एक शेरांवाला गेट और एक है यकी गेट। तो वो इंशाल्लाह तीनों गेट जो है ना हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, सुबह फजर के बाद का टाइम है क्योंकि इस टाइम ज़रा रश भी कम होता है और चीज़ें जो है ना देखने में आसानी रहेगी। चले जी निकलते हैं इंशाल्लाह और वहाँ पहुँच के मिलते हैं। अभी हमने सबसे पहले लेना है उस्मान को, अहमद, एहसन, उस्मान, मैं और बेगम, हम सारे जा रहे हैं आज। हमारी जो टीम है ना चूज़ और स्टफ़ की, हम सारे जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। वहाँ पर नाश्ता वाश्ता भी करेंगे। ये भाई उस्मान खड़ा है हमारा। हाँ जी भाई, कहाँ जाना है? दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। मस्जिद का जहां, मस्जिद का जहां, मस्जिद के सदके। यार ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली दरवाजे। लाहौर का बहुत ही मशहूर दिल्ली दरवाजा है। तू रोला पाला पहले। इस दरवाजे की यार काफी हिस्ट्री है जड़ी मैनु टके दी नहीं पता। जा पूछ के। ये हम लोग दिल्ली दरवाजे के अंदर एंटर हो गए हैं। ये यार सारी दुकानें बनी हुई हैं, बुटीक बनी हुई है, यहाँ पर ट्रेडिशनल पुराने सारे कपड़े मिलते हैं। अभी तो ये बंद है, ये जब खुलेगी फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। हमारे होते हुए खुल जाएगी, देखें सारा। बड़ी ज़बरदस्त वाइब्स आ रही है उस्मान, ऐसे लग रहा है ना पुराने ज़माने में पहुँच गए। ये जी दिल्ली दरवाज़ा, स्टॉप करके देख। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने स्टॉप करके इसको पढ़ लेना। वैसे तो मैं भी पढ़ लाँगा इंशाल्लाह। ये अंकल हैं, ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे खड़े होके। सुबह सुबह भाई बाहर खड़ा। तो ये है जी शाही हमाम, यहाँ पे अब स्कूल बन गया हुआ है। यहाँ पे पहले शाही लोग जो है ना नहाते नहाते थे आके। ये सुबह फजर के बाद का टाइम है और ये देखे सारे नाश्ता करने आए हुए हैं। मदनी किधर है? मदनी वाला वो है मदनी लस्सी मक्खन। यार ये कुछ मशहूर दुकान है यहाँ पे, सारे लोग आए हुए हैं इसलिए तो रश लगा हुआ है। मशहूर उस्मान मेरे लिए भी बनवा लेना यार। ये क्या है? मदनी देसी मक्खन लस्सी। सुना मशहूर है काफ़ी। ये है जी दिल्ली गेट की मशहूर मदनी लस्सी मक्खन एंड खालिस देसी। ये मक्खन लगा हुआ है, क्या देना? 150 का पाव, 60 रुपये का पाव। ये हमारी आगे भी लस्सी मलाई मार के और ये मक्खन का पेड़ा, शक्कर एंड नान, ये हम लोग यहाँ का ट्राई करेंगे। ये अंकल का कहना जी मेरा जो है ना खाना अप्रूव है फूड अथॉरिटी की तरफ से। चलो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। सही है, प्रूव कराई बंदे ने। मजे भी है। हमें नाम ने तो नहीं खाई समान। मेरी बाइटी की तरफ जोर हैवी। जोहर मजे की है यार, और ले वो मजे का। बाकी मजे की है। हनुमान आपने कहा नहीं करा सर। चेक करें सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुराने पुराने घर। अब हम लोग जा रहे हैं अभी सबील वाली गली। ये सबील ने की भी है, ये है सबील वाली गली। ये देखो ये पुराने पुराने दरवाजे। ओह लवी हो गया, बड़ा ज़बरदस्त। वो ऐसे लग रहा है जैसे है ना कोई 100 साल पीछे चले गए हम लोग। वैसे तो हम चले गए हैं 100 साल पीछे। कहना क्या जा रहे हैं समझ जा।
ये है भाई घर बने हुए सबील वाली गली। प्रॉपर बनाया हुआ सारा के लोग आए विजिट करें इस चीज़ को। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये तुर्की की गलियाँ, क्योंकि हमने जब लोगों के व्लॉग्स देखे हैं ना उसमें ऐसी ही पुरानी पुरानी गलियाँ दिखाई जाती हैं तुर्की में। यार ये टायर पड़े हुए अहमद यार है, दो टायर जरा गड्डी की स्टपनी पे रख ले। कुछ भी ये उस्मान फुल मक्खन मलाई वाली लस्सी पीते हुए और अभी इसने नाश्ते करने हैं। क्या पूछ रहा है तू, क्या पूछ रहा है हसन, क्या पूछ रहा है, किसकी कबर है? बजाय तू फातिहा करने के सवाल जवाब करते हमारे साथ। ये है बाजार, ठीक है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिन के टाइम जो अगर आप आओ तो यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती, इस टाइम ये बंद है, इसीलिए इस टाइम आया कि हमें इजी रहे। ये आगे जी गली सूरजन सिंह, इसी के अंदर सारे लवाजमात आपको दिखाते हैं, सारे पुराने पुराने दरवाजे और सारी छोटी छोटी गलियाँ। यार आपको एक गली दिखाता हूँ जिसके बारे में मशहूर है जी, अगर सामने से लड़का और सामने से लड़की आ जाए तो बस निकाह ही रह जाता दरमियान में होने वाला। ये अहमद और उस्मान करने लगे हैं, ऐसन ऐसन के साथ करने लगे हैं लो भाई, लेकिन हमारे दीन में ये जायज नहीं है। प्रसादा होया है पहले साढ़े वास्ते जायज है। हम लोग इस टाइम वही गली में, ये देखें छोटी सी गली में इन्होंने दुकान बनाई हुई भाई ने, बड़ी यार वाकई बड़ी जी गली है, मेरे जैसा बड़ा मुश्किल ही गुजर पाता है इसमें से। इधर उर्मत एंड तक ऐसी है। चले अब हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह उस्मान की बैठक, वो भी देखते हैं जाके। ये चेक करें पुराने पुराने घर बने हुए और कितने ऊँचे ऊँचे बनाए हैं। अच्छा इनको कोई वायलेशन का नहीं मिलता नोटिस, सामने तो तीसरी मंजिल तो ही आ जाना। ये है भाई उस्मान की बैठक, ये पता नहीं खुली हुई है कि नहीं। यार ये उस्मान की बैठक है और ये मिलेगी दोपहर को 12 बजे खुलती है ये, ठीक है, तो रात को 9-10 बजे तक खुली रहती है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे सुबह फजर के बाद का टाइम है तो इस टाइम खुली नहीं हुई। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, गर्मी की वजह से हम दिन में आते नहीं है, अगर दिन में है तो रोस्ट हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है लाहौर के अंदर, 47-48 चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग इस टाइम आए हैं, लेकिन इस टाइम बंद मिला सारा कुछ। खैर बाहर बाहर से तो देख लिया, अंदर से भी इंशाल्लाह एक दिन आएंगे, थोड़ा अच्छा मौसम होगा ना फिर अंदर से भी देख लेंगे। ये है बेगम इकबाल, ये पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, शायद उनका घर है ये, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से लिख के लगाया हुआ इन्होंने। अब आपको दिखाते हैं जी हवेली अलीफ शाह जो अब इमाम बारगाह बन गई हुई है, ये देखें अंदर जाके देखते हैं। यार जो अगर दरवाज़ा खुला हुआ तो मेरा नहीं ख्याल खुला होगा, और हो ये तो पूरी हॉरर मूवी चल गई है। नहीं भाई दरवाज़ा बंद है, बंद है ना, चलो जी ये तो नहीं देख सके, इधर से बाहर निकलते हैं। अब आपको छोटी छोटी गलियों के विज़िट करवाते हैं। ये हवेली मियाँ सुल्तान, इधर हवेलियाँ बनी हुई हैं जैसे पुराने ज़माने में होता था, ये मस्जिद आ गई। यार ये है मुगला का खूह, 1727 का बना हुआ है, लेकिन अभी ये बंद किया हुआ है इन्होंने, इसको कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको अंदर से, चलें जी आगे चलते हैं। आगे और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, फाउंटेन रूम है कोई, वो देखते हैं। यार फुहारे वाली बैठक बंद है, हर चीज़ ही बंद मिल रही है, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। पूछा दर्जी है, यहाँ पे दर्जी बैठ के कपड़े सिया करते थे, ऐसा ना अपनी कुर्तियाँ इधर से सिलवाता था। मोस्टली हमें ज़्यादा चीज़ें जो है ना अभी बंद मिल रही हैं, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। खैर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आना तो 12 बजे के बाद है ताकि सब कुछ खुला हुआ मिले। ये देखे ना कैसे ज़बरदस्त, अभी भी ये लाहौर में ये विरासती इलाके मौजूद है जहाँ पे ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग और सारा पुराना पुराना बना हुआ ना सिस्टम, ये चेक करें। आज तक ना पहले से शाही किले की दीवारें में ही देखी थी इस तरह की टाइल्स, अब ये अंदर आके देख रहे हैं, क्या बात है, चेक करें। अच्छा इन्होंने ये रिस्टोर किया हुआ है सारा कुछ और बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है वॉल्ट सिटी वालों ने,
तो इस पर तो इनको अप्रिशिएट करना बनता है। बड़ा अच्छा मैनेज किया कि लोग आए और इससे लुत्फानंदोज हो। आम बंदा आता है उसको नहीं पता लगता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी बिल्डिंग है। इन्होंने लिख के लगाया भाई, ये देखिए ना, कुचा पीर बख्श, ये पीर बख्श साहब की रिहाइश है। ये देखिए ना, पुराने पुराने ऊंचे ऊंचे घर बने हुए इधर। ये यहाँ पे निकाह रजिस्ट्रार वगैरह भी बैठे हुए हैं, इनके कल को काम आ सकते हैं। ये लड़के तीन फेर रहे हैं ना, इनके काम आएंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हो? ये है जी अल मशहूर मस्जिद गोल पहलवान, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। हाँ, ये निकाह रजिस्ट्रार मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया कि वो जड़ी गली दिखाई सी ना मैं पतली थी, उधर अगर कोई पास जाए ना तो यहाँ से अर्जेंट बेसिस पे आपको निकाह रजिस्ट्रार मिल जाते, तो मौके से रजिस्टर कर देते। क्या नहीं बोला तूने? अच्छा यार, अंदर की चीज़ें तो अब हमने दिखा दी आपको, अब इंशाल्लाह बाहर जाते हैं, मस्जिद वज़ीर खान देखते हैं और फिर शेरावाला गेट आपको दिखाएंगे। और यकी गेट नहीं है यार, जकी गेट है, ये लोगों ने यकी कर दिया, गलत है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। यार यहाँ से आगे जाके ना मार्केट आ जाती है, पाकिस्तान मार्केट, जो कपड़े की मार्केट है, काफ़ी मशहूर मार्केट है, और भटूरों वाला चौंक आ जाता है। तो ये स्टार्टिंग में ही है दरवाजे के ना, ये जितनी भी जगह बनी हुई है, बाकी आगे जाके सारा बाजार है, और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो रंग महल और शाल भी आ जाएगा। ये देखिए ना, ये सारा सकाफती विरसे के हिसाब से बना हुआ, पुराना पुराना। ये आ गई भाई हमारी मस्जिद वज़ीर खान, बड़ी मशहूर मस्जिद है ये इसका फिलहाल जो है ना काम चल रहा है। मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, ये मस्जिद का हिस्सा तो नहीं है, ये है भी मस्जिद वज़ीर खान। ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखें घर बनाया हुआ है इन्होंने। हमने व्लॉग देखे ना तुर्की वाले, उसमें इस तरह के घर बने होते हैं ना, वो बोरसा वगैरह में जब जाते हैं विजिट करने के लिए, ये उसी हिसाब से घर बने हुए। अच्छा अभी ना मोस्टली चीज़ें बंद हैं, दुकानें बंद हैं। ये हस्तो नेस्त, गोशा नूर, इंडस हेरिटेज, ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं इस चीज़ की, जो जो लिखा हुआ है किधर। ये मस्जिद ने लाश आपको मस्जिद वज़ीर खान जो है ना थोड़ी अंदर से जंगले में से ही दिखा देते हैं। यार नमाज के टाइम पे तो खुलती होगी, तो जोहर तक का इंतज़ार कर लिए फिर। चले जी हमारी किस्मत है, अब नहीं खुली हुई मिली कोई चीज़, तो अब जाते हैं शेरावाला गेट, देखते हैं दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे इसकी इतनी हिस्ट्री हमें पता नहीं है। हम थक काफ़ी गए हैं और नाश्ता वाश्ता करते हैं जाके अब। ये यार मस्जिद वज़ीर खान की ये बैक साइड है, ये तैयार हो रही है, ये जो है ना सामने आ गया है भटूरों वाला चौंक। भटूरे लग तो नहीं रहे इस टाइम, लेकिन यहाँ पे बड़ा वादू भटूरा लग रहा होता है, मैंने खाया काफ़ी दफ़ा यहाँ से। ये यहाँ से हम लोग राइट होंगे ना, जहाँ से गाड़ी आई है, यहाँ पे पाकिस्तान मार्केट है, कपड़े वाली सारी लेडीज़ कपड़ा मिलता है वहाँ पे। यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये रंग महल है, ठीक है, वहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे तो आगे शालमी स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, तब एक बात और लाई, ये स्पेशल ये बड़ा मशहूर है भाई, दास कुलचा अच्छा, बहुत पुराना बैठे है, मुगला ने दौर दी आइटम है जी। एक ही है लॉन्जरा, ये है लॉन्जरा बेसन के, बेसन दे। अच्छा क्या है? लॉन्जरे लॉन्जरे लॉन्जरे, अच्छा लॉन्जरे। आप वो दिखा देना कुलचा देखने ना। हां हां हां, दास कुलचा है भाई, ये मैंने देखा, शुक्र है ये भी इधर ही मिल गया। ए बखाना जरा, ये है भाई दास कुलचा, ये बड़ा स्पेशल तैयार होता है, ये हम खाते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है। इधर सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, ये चाय के साथ बड़ा मजे का लगेगा। दास गुलजार हम खा लेंगे मैंने। हेलो मजे का अच्छा
ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਦੇਖਿਆ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲਚੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈ यार ये मैंने कुछ दाल कुलचा वगैरह पैक करा लिया था जो मेरा बचा था तो अंकल ने ना ये मुझे लौंचड़े एक्स्ट्रा दे दिए बीच में ये बड़ी अच्छी कोई चीज़ है लौंचड़े मज़ा आता है खाने का इसका थैंक यू अंकल यहाँ पे माशाल्लाह लाइव गुसल चल रहा जी बहुत नाजुक सूरत हाल है यार हम लोग वापस जा रहे भी रोला पाई हम जा रहे हैं वापसी की तरफ अपनी गाड़ी की तरफ इंशाल्लाह वहाँ से घर की तरफ निकलते हैं आज आपको शेरावाला गेट नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो खा नहीं सकते फिर मज़ा नहीं आएगा दिखाने का नेक्स्ट आके इंशाल्लाह आपको शेरावाला गेट और जक्की गेट प्रोनाउंस ठीक किया जक्की गेट दिखाएंगे इंशाल्लाह ये कुआं भी दिखाना रह गया था ये दीनानाथ का कुआं है ऐ देखो सारी ये सारी जो है इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है ये पढ़ लेना है इसको रोक रोक के ये यार मॉडल शूट चल रहा है और मॉडल को बेचारी को गर्मी में ले आए ये यार हम लोगों ने दिल्ली गेट तो सारा एक्सप्लोर कर लिया अब हम लोग निकल रहे हैं आगे नाश्ता करने के लिए उस्मान कहाँ जा रहे हैं हम शहाब की हलवापूरी खाने जा रहे हैं टक्साली गेट भी आपको इंशाल्लाह लेकर जाएंगे एक दफ़ा उसकी पूरी स्टोरी सुनाएंगे और उधर काफ़ी जगह जिसके नाम का आजकल एक सीरीज भी चल रही है तो वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ये है जी शहाब की हलवापूरी अभी लगवाते हैं फिर खाते हैं इसमें से सही नज़र ही नहीं आ रहा ये जी इनकी बन रही है मटन टिक्कियाँ ये इस तरह पूरियाँ बन रही हैं ये लगवाते हैं फिर इंशाल्लाह खा के आपको दिखा देते हैं ये आ गए जी हमारे हलवा पूरी अभी हमारी एक मटन टिक्की आ रही है वो भी आपको दिखाता हूँ वह ये देसी से तैयार हुआ है और इसकी मैंने बाइट ली है मज़े का था अच्छा लगा अभी ये हमने ट्राई नहीं किया पहले हमने कहा थोड़ा फ़ोटोशूट कर लें तो यार हम लोग हो आए थे दिल्ली दरवाजे और नाश्ता भी कर लिया था शहाब की हलवा पूरी खाई थी बड़ी मज़े की थी मज़ा आया अच्छा उनकी पूरी जो है वो आटे की बनी हुई थी ये मैं बताना भूल गया था चले जी यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ जिसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़